आज हम लोग बात करेंगे एक अनोखी दवा के बारे में। तो शुरुआत करते हैं इसकी हिस्ट्री से। कनाडा में एक हिल है जिसका नाम है माउंट रॉयल, और इसके आसपास एक बहुत बड़ा शहर बसा हुआ है, इसका नाम है मॉन्ट्रियल। और ये कनाडा का दूसरा सबसे मोस्ट पॉपुलस सिटी है, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर एक लेबोरेटरी है मर्क की, MSD की, जिसने कि एक आविष्कार किया एक दवा का जो कि ल्यूकोट्रींस को इनहिबिट करती है। ल्यूकोट्रींस क्या होते हैं? साइटोकाइंस होते हैं ब्लड में, और इसमें एक खास वैरायटी होती है जिसका नाम होता है ल्यूकोट्रीन D4, LD4। और ये क्या करता है, ये इन्फ्लेमेशन को, स्किन में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है और स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि जो कैपिलरीज हैं वो कंस्ट्रिक्ट करेंगी और खून का बहाव स्लो हो जाएगा। साथ ही जो गले में ब्रोंकियोल्स होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे और सांस लेने में बहुत मुश्किल होगी। तो ल्यूकोट्रींस ये काम करता है, और अगर ल्यूकोट्रींस को हम इनहिबिट करें तो सांस लेना इजी हो जाएगा और साथ में ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा। तो क्योंकि MSD ने इस दवा को खोजा था मॉन्ट्रियल में, तो उन्होंने इसका नाम रखा मोंटी ल्यूकास्ट। और मोंटी ल्यूकास्ट यूज़ किया जाता है बहुत सारे ऐसे स्किन इन्फ्लेमेशन के कंडीशंस में जिसमें कि स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है। उदाहरण के तौर पर अस्थमा में, जहाँ सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि जो श्वास नली, बारीक श्वास नली होती है, वो सिकुड़ जाती हैं। तो जब हम मोंटी ल्यूकास्ट लेते हैं तो वो वापस डायलेट करती हैं, वापस हवा अंदर जाना शुरू होती है, तो सांस लेना ईजी हो जाता है। और इसी तरीके से जो दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं, एलर्जिक रेनाइटिस, यानी कि बार बार सर्दी जुकाम या खांसी आना, इस तरह की प्रॉब्लम्स, एलर्जिक फेरिंजाइटिस, किसी भी इस तरह की प्रॉब्लम में जहाँ पर कि ल्यूकोट्रीन D4 का रोल है, वहाँ पर इसे यूज़ किया जाता है। हम लोग इसे यूज़ करते हैं बालों की और स्किन की प्रॉब्लम में। अगर स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, कुछ माइनर इन्फेक्शन है जिसकी वजह से लगातार इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस जारी है, तो उससे वहाँ पर ब्लड फ्लो कम हो जाता है। हेयर रूट्स में ब्लड फ्लो कम होने की वजह से हेयर रूट्स थोड़ा साइलेंट फेज़ में चले जाते हैं और बाल झड़ना शुरू हो जाता है और बालों की ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो अगर मोंटी ल्यूकास्ट को लॉन्ग टर्म लिया जाए और साथ में अगर वहाँ पर इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन है स्कैल्प में, तो ऐसा पाया गया है कि ल्यूकोट्रीन D4 को इनहिबिट करने की वजह से बालों की ग्रोथ फास्ट होती है और हेल्दी बाल वापस आना शुरू होते हैं। साथ ही जिन लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है इन्फेक्शन की वजह से, उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो ल्यूकोट्रीन D4 इनहिबिटर के रूप में यूज़ होता है मोंटी ल्यूकास्ट, और इसे हम लोग यूज़ करते हैं इस स्पेशल पर्पस के लिए, इन्फ्लेमेशन को स्टॉप करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए। और ये जो ल्यूकोट्रीन है, ये ब्लड में जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो बनाती हैं इसे। और कौन सी स्पेशल वाइट ब्लड सेल इसे बनाती है? तो जो ब्लड में बेसोफिल्स होती हैं वो बनाती हैं इसे, ल्यूकोट्रीन D4 को। और बेसोफिल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन्फ्लेमेशन में। तो हम लोग एक स्पेशल टेस्ट करते हैं जिसे स्किन पैनल कहते हैं, ये देखने के लिए कि आपके ब्लड में डिफरेंट टाइप के WBCs का क्या रेशियो है और बेसोफिल काउंट आपका नॉर्मल है कि नहीं है या कुछ एबनॉर्मल है। अगर बेसोफिल काउंट एबनॉर्मल है तो इसका मतलब है कि किसी तरह का कुछ इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस आपके बॉडी में, स्किन में चल रहा है। तो अगर आपको स्किन या हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप अपना एक स्कैल्प टेस्ट कराइए, जिसमें पता चलता है कि स्कैल्प में इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस है क्या। और साथ में एक स्किन पैनल कराइए, जिससे पता चलेगा कि ब्लड में आपके इन्फ्लेमेशन का या इन्फेक्शन के कुछ साइंस हैं क्या। WBC डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और उनमें से कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इंक्रीज़ करती हैं, तो हमें पता चलता है कि ब्लड में कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो कि वायरल इन्फेक्शन में इंक्रीज़ करती हैं, तो हम ब्लड टेस्ट देख के बता सकते हैं कि बॉडी में कुछ वायरल इन्फेक्शन का प्रोसेस चल रहा है क्या। साथ ही कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो कि एलर्जिक प्रोसेस में, पैरासिटिक इन्फेक्शंस में बढ़ती या घटती हैं, तो हमें ये भी पता चलता है कि आपके शरीर में किसी तरह का पैरासाइट इन्फेक्शन है या किसी तरह की एलर्जी का प्रोसेस चल रहा है। तो जब भी आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो तो अपना स्किन पैनल टेस्ट ज़रूर कराइए। तो ये जो बेसोफिल्स होती हैं, ये रिलीज़ करती हैं ल्यूकोट्रीन D4 को, और इसका काम होता है बहुत सारे एलर्जिक पैथोजेंस को फैलने से रोकना। तो ये बैक्टीरिया, वायरस या किसी तरह के फंगस को फैलने से रोकने की प्रक्रिया में मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिकोड़ती है। तो जो बारीक नसें होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और इन्फेक्शन का फैलना रुक जाता है। ये तो हेल्पफुल है, लेकिन अगर इस तरह का प्रोसेस लॉन्ग टर्म चलेगा तो साथ ही ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन कम होगा तो हेयर रूट्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना रुक जाएगा,
और प्रॉपर न्यूट्रिशन की कमी में हेयर रूट्स फिर धीरे धीरे अपना वर्क कम कर देंगे, तो आपके बाल धीरे धीरे पतले होने लगेंगे या बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। तो इस पूरे इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, स्टॉप करने के लिए हम लोग ये स्पेशल टेस्ट करते हैं और उसके अनुसार कुछ स्पेशल मेडिसिन होती हैं।